मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर। आज ही डाउनलोड करें SkyMet मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम महेश पलावत है। 11 मार्च के SkyMet के वेदर बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो पहाड़ों पर पहुंच चुका है। दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तरी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के आसपास दिखाई दे रहा है। हालांकि ये जो पहला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ये बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है। इसके पीछे वाला जो 12 तारीख को रात को पहुंचेगा जम्मू कश्मीर वगैरह पर, और वो इस तरह से पहुंचेगा, यहाँ पर जब पहुंचेगा तो वो थोड़ा सा इंटेंस होगा और उसके प्रभाव से 12 तारीख की रात से लेकर के 13 तारीख की रात तक अच्छा स्नोफॉल पहाड़ों पर होगा। उत्तर भारत में बारिश होगी और कुछ इलाकों में तेज बौछारों के साथ साथ ओलावृष्टि भी हो सकती है, बिजली की गरज चमक भी दिखाई दे सकती है। तो इस तरह का जो वेदर है वो मार्च में दोबारा दिखाई दे रहा है। शुरुआती जो मार्च था 2-3-4 तारीख को हमने देखा था पहाड़ों सहित उत्तर भारत में बारिश हुई थी, ओले गिरे थे और मध्य भारत से लेकर के पूर्वी भारत तक भी कुछ वेदर एक्टिविटी आपको दिखाई दी थी और पहाड़ों पर बहुत अच्छा स्नोफॉल हुआ था। फरवरी में भी दो बार इस तरह के इंटेंस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आए थे और बहुत ज़्यादा अच्छा स्नोफॉल हुआ था। हालांकि जनवरी, दिसंबर, नवंबर और अक्टूबर, ये जो 4 महीने हैं जिसमें वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते हैं, वो लगभग सूखे रहे पहाड़ों के लिए और उत्तर भारत में भी कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं देखने को मिली। अगर फरवरी की बात करें तो दिल्ली में 33.8 मिलीमीटर की बारिश देखने को मिली फरवरी के महीने में, जबकि एवरेज जो है वो 21.5 मिलीमीटर ही होता है। और दूसरी बात ये थी, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि जो लगातार 5 दिन थे, जो उसमें क्या था कि जो मिनिमम टेम्परेचर था वो काफ़ी ज़्यादा कम था, 10 डिग्री के नीचे था कंजिक्यूटिव 5 डेज मार्च के महीने में, शुरुआत फर्स्ट वीक में। इससे पहले ये 1990 में देखा गया था, यानी कि मार्च की शुरुआत ठंडी काफी सालों के बाद देखने को मिली है। और हालांकि मार्च में तापमान बढ़ जाते हैं, लेकिन ये जो अनसीजनल वेदर एक्टिविटी हो रही है उसके कारण क्या हो रहा है कि जो डिले हो रहा है और जो बारिश की गतिविधियां जो लगातार हो रही हैं, तापमान को बढ़ने नहीं दे रही, उससे गर्मी थोड़ा सा डिले हो रही है। और ये अच्छी बात है कि गर्मी थोड़ा सा लेट आए तो अच्छा ही रहेगा। तो पहाड़ों पर जैसे मैंने बताया कि आज कल बारिश हुई थी कुछ इलाकों में, आज जो वेदर एक्टिविटी है वो उत्तराखंड तक पहुंच जाएगी, हिमाचल प्रदेश के ज्यादातर इलाकों को कवर कर लेगी। कल होते होते, यानी कि कल सुबह से वेदर एक्टिविटी में कमी आ जाएगी, क्योंकि दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में थोड़ा सा गैप है। और रात के समय फिर से गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी और 13 तारीख की सुबह होते होते हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी बारिश और स्नोफॉल शुरू हो जाएगा। 13 तारीख को जो बारिश होगी उसके कारण क्या होगा कि उत्तरी पंजाब, हरियाणा के उत्तरी भाग और उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी अच्छी बारिश की संभावना नजर आ रही है। आज भी कुछ इलाकों में, राजस्थान के पश्चिमी इलाकों में यानी उत्तर पश्चिमी इलाकों में बहुत हल्की बूंदाबांदी कहीं हो सकती है। और 13 तारीख को जो बारिश है वो उत्तर पश्चिमी राजस्थान के साथ साथ पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली NCR में भी दिखाई देगी। हालांकि दक्षिणी हरियाणा और उत्तर पश्चिमी राजस्थान और दिल्ली NCR में इसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा कम होगी, पैची रेन होगी, टुकड़ों में होगी, कहीं कहीं होगी, हर जगह बारिश नहीं होगी, लेकिन बादल छाए रहेंगे, मौसम कुछ सुहावना हो जाएगा, हवा तेज चल सकती है। तो ये जो वेदर है 13 तारीख और 12 तारीख में, इसमें क्या होगा कि जो उत्तर भारत है यहाँ पर तेज हवाओं के साथ अगर बौछारें पड़ती हैं तो फसलों को नुकसान की आशंका है। हालांकि ओलावृष्टि बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन फिर भी इनकार नहीं किया जा सकता, उत्तरी पंजाब, उत्तरी हरियाणा में हो सकता है कुछ इलाकों में और उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ओलावृष्टि हो जाए, जिससे फसलों को नुकसान की आशंका दिखाई दे रही है। राजस्थान के बाकी इलाकों की अगर हम बात करें तो जो दक्षिणी इलाके हैं और पूर्वी राजस्थान है, जैसे कि धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, सीकर और ये अलवर, भरतपुर, यहाँ पर वेदर लगभग साफ रहेगा, बादल वादल छा सकते हैं, लेकिन जयपुर, अजमेर, टोंक और ये कोटा, बूंदी, बारा, भीलवाड़ा, झालावाड़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, डूंगरपुर, बाड़मेर और सांचौर, जालौर, सिरोही, पाली, ये सारे इलाके सूखे रहने वाले हैं, यहाँ पर कोई मौसमी गतिविधि आपको दिखाई नहीं देगी। उत्तर प्रदेश में आप कह सकते हैं कि जो शामली है और सहारनपुर है, उस इलाके में कुछ बिजनौर वगैरह में बारिश होगी, लेकिन अगर हम कानपुर से लेकर के गोरखपुर और गौड़ा बस्ती, गाजीपुर, मऊ, बलिया,
ये जो इलाके हैं यहाँ की बात करें तो यहाँ का मौसम शुष्क रहेगा, साफ रहेगा, कोई भी मौसमी गतिविधि आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देगी। हल्के फुल्के बादल छा सकते हैं लेकिन बारिश आपको परेशान नहीं करेगी, फसलों को नुकसान की आशंका नहीं है। और अब मध्य प्रदेश की बात करें तो पूरा मध्य प्रदेश ग्वालियर संभाग से लेकर के इंदौर, भोपाल, नीमच, बड़वनी, धार, खांडवा, खरगोन से लेकर के आपका ये जो बैतूल, होशंगाबाद, डिंडोरी, मांडला, सीधे सतना, सिंगरौली, पन्ना, ये सारे इलाके सूखे रहेंगे, शुष्क रहेंगे। टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, गर्मी अब आपको महसूस होने लग जाएगी। उसी तरह से अब बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के अधिकांश इलाके सूखे रहेंगे, कोई भी मौसमी गतिविधि यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देगी, बादल तक नहीं चाहेंगे, आसमान साफ रहेगा और चिलचिलाती धूप रहेगी। हालांकि गर्मी अभी बहुत ज्यादा तो नहीं है लेकिन फिर भी दिन गर्म होने लगे हैं। और पश्चिम बंगाल, गंगे पश्चिम बंगाल, जैसे कि 24 परगना, डायमंड हार्बर, कौनतेई, शांति निकेतन, पुरुलिया, हावड़ा, हुगली, कलकत्ता, ये सारे इलाके, बांकुरा वगैरह, सब सूखे रहेंगे। और दार्जिलिंग, कलिम्पोंग और जो दिनाजपुर है यहाँ पर बादल छा सकते हैं, हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, सिक्किम में भी छुटपुट बौछारें दिखाई दे सकती हैं आपको। उत्तर पूर्वी भारत की बात करें तो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा सूखे रहेंगे। अरुणाचल प्रदेश में एक दो स्थानों पर बहुत हल्की बूंदाबांदी या बौछारें आपको दिखाई दे जाएंगी। उड़ीसा अब एक बार फिर से सूख जाएगा, कोई भी वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। उसी तरह से आंध्र प्रदेश या छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, ये जो इलाके हैं यहाँ पर भी मौसमी गतिविधि अब दिखाई नहीं दे रही है, तापमान बढ़ जाएंगे, तेलंगाना में गर्मी बढ़ने लगी है। उसी तरह से महाराष्ट्र की बात करें तो विदर्भ, मराठवाड़ा और उत्तरी महाराष्ट्र, जैसे कि जलगांव, मालेगांव और जो धुले, नंदुरबार, ये सारे इलाके काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गए हैं। नागपुर, अकोला, गोंडिया और जो हिंगोली, लातूर, जलना, नांदेड़, परवनी, ये सारे इलाके काफ़ी ज़्यादा अब गर्म होने लग जाएंगे, दिन गर्म होने लग जाएगा। सांगली, सतारा, कोल्हापुर में भी अब कोई वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई नहीं दे रही है। मुंबई वगैरह में भी अब तापमान बढ़ रहे हैं, अब दोबारा टेम्परेचर यहाँ पर नहीं गिरने वाले हैं। अगर दक्षिण भारत के बाकी इलाकों की बात करें तो आंध्र प्रदेश के साथ साथ कर्नाटक और तमिलनाडु, ये सारे इलाके सूखे रहेंगे। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप में भी वेदर एक्टिविटी नहीं है। दक्षिणी केरल में बहुत हल्की बूंदाबांदी या छिटपुट बौछारें आपको दिखाई दे सकती हैं। गोवा का मौसम भी हल्का गर्म होने लग गया है, 32-33 डिग्री का तापमान पहुंच गया है वहां पर। दिन गर्म है लेकिन रात का मौसम अभी भी कंफर्टेबल बना रहने की संभावना नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर के वेदर एक्टिविटी उत्तर भारत और पहाड़ों पर ही आपको दिखाई देने वाली है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर। आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे।